कर्मयोगी नरेंद्र मोदी ऐसे कर्मयोगी हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन जनसेवा के लिए समर्पित कर दिया है। आज उनका 74वां जन्मदिन है। पीएम नरेंद्र मोदी का जन्म उत्सव आज से 2 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। इस दौरान जेपी नड्डा सेवा पखवाड़ा के तहत रक्तदान शिविर का शुभारंभ करेंगे। साथ ही जनसेवा के अलावा स्वच्छता के संस्कार का भी बीजेपी प्रचार करेगी। नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर ओडिशा में महिला उत्थान का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। पीएम आज ओडिशा में महिलाओं को सुभद्रा योजना की सौगात देंगे। ओडिशा सरकार की इस योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को साल में 2 बार 5,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। सुभद्रा योजना वित्त वर्ष 2024-25 से लेकर साल 2028-29 तक चलेगी। यानी योजना अवधि के समय सभी लाभार्थियों को 50,000 रुपए मिलेंगे। वाराणसी में पीएम मोदी के जन्मदिन के से एक दिन पहले ही उनके लिए हवन और विशेष पूजा शुरू हो गई। वाराणसी के एक शिव मंदिर में नरेंद्र मोदी के समर्थकों और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने रुद्राभिषेक के साथ पीएम मोदी की दीर्घायु के लिए हवन भी किया। हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद कंगना रनौत ने न्यूज 18 इंडिया चौपाल के मंच से पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी और उनकी अगुवाई की तारीफ भी की। प्रधानमंत्री जो है हमारे देश के लिए एक आई वुड से के नॉट जस्ट अ रे ऑफ होप बट ही इज अ फुल ब्लोन ब्लेजिंग सन दैट वी हैव एंड इट इज आवर फॉर्च्यून that we have him or a wise man told me that and I totally believe that it is true a wise man told me that if we as a nation we don't make it in his time we do not deserve to make it happy birthday prime minister news 18 india chopal ek aisa manch jahan jab jab baat niklegi to sirf door tak nahi balki duniya ke kone kone mein jayegi क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर।